हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? रूपा एंड फैमिली चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे और सब भले चंगे होंगे। और ये देखिए मेरे गणेश भगवान और लक्ष्मी माता, तो मतलब कल नहीं अच्छा से दिख रहा था, तो मैं आज आपको दिखा दे रही हूँ। और ये देखिए उनके छोटे छोटे माला माला है, चुनरी है, और फिर ये देखिए सब कुछ मतलब जनेऊ, और फिर ड्रेस उसका अच्छे से दिख नहीं रहा है, लेकिन नया नया वो आज मतलब कपड़ा पहने हैं। मतलब कि ये दूसरे दिन का वीडियो है, दिवाली के दूसरे दिन का, जिस दिन ये। और ये देखिए ये हम लोग पोटली में भर के रखते हैं, मतलब रखा जाता है तो रखे हैं। तो आज गोवर्धन पूजा है, तो हैप्पी गोवर्धन पूजा आप सबको। और ये देखिए दिया जल रहा है, और दिवाली के मतलब एक दिन के बाद गोवर्धन पूजा होता है, उसके बाद भाई दूज होता है। तो आज गोवर्धन पूजा है, तो आप लोगों को सबको मेरे पूरे परिवार की तरफ से गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत बधाई। और मतलब कि ये देखिए, तो बस मतलब कि पूजा अभी सुबह का हो गया है, तो बस सुबह का पूजा हो गया है, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा रही थी। और ये मतलब मैं अभी कहीं जाऊंगी थोड़ी देर में, तो मैंने सोचा कि पहले पूजा वूजा कर लेती हूँ। और बस अभी तो मैंने कुछ खाना वाना नहीं बनाया है, क्योंकि रात में सब बनाया था ना, तो सब थोड़ा थोड़ा था, तो मतलब उसी से हो गया, मतलब नाश्ता ब्रेकफास्ट। तो मैं लंच ही बनाऊंगी एक ही बार, तो इसलिए। और फिर मिठाई उठाई भी है, तो वो सब भी हो गया है, तो थोड़ा थोड़ा हो गया है, तो बस इसलिए हम लोग अभी मतलब कि खाना अभी नाश्ता नहीं बनाया है, लेकिन खाना में कुछ सिंपल सा बना लेंगे जो हल्का फुल्का। तो कल मतलब कि और दिया, यही वाला दिया हम लोग धनतेरस के दिन लिए थे, तो ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा था, क्यूट सा छोटा सा। ये देखिए मतलब कि अब मैं तैयार हो गई हूँ, तो अभी मैं कहीं जाऊँगी, तो बस अभी मुझे थोड़ा सा मतलब कहीं जाना था, तो अभी मैं जाके आती हूँ। तो फिर उसके बाद ये देखिए मतलब अभी सारे काम हो गए हैं, मैं नहा धोवा के और फिर रेडी हो गई हूँ, और कपड़े वगैरह सब मैंने धो लिया है सुबह का, मतलब सुबह के टाइम में। बस मैं देख, धूप भी हुआ है, तो जो कपड़े अभी मतलब सूख गए हैं उसे मैं लेती हूँ, और फिर उसके बाद मैं जाऊँगी। तो अभी थोड़ा टाइम बाकी है, जैसे सारे कपड़े हैं तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो ही जाते हैं, बस अभी मतलब कि सारे कपड़े मैं डाल देती हूँ, और फिर उसके बाद जो मेरा बाथरूम है आप लोगों को पता ही है। फिर उसके बाद ये देखिए सारे कपड़े मैंने धो के डाल दिए हैं, सूख रहे हैं। मैं जा रही हूँ अपना थोड़ा सा आईब्रो बनवाना, तो यहीं पास में ही है, तो मैं मतलब कि अभी चली जा रही हूँ, तो उसके बाद मैं आती हूँ तो आप लोग से मिलती हूँ। तो अभी अभी वो तो मैं घर में ही हूँ, अभी लाइट वेट अभी मतलब कि लगा ही हुआ है, अभी लाइट हम लोग नहीं खोले हैं, छठ के बाद खोलेंगे लाइट। और बस अभी मैं अभी आ गई हूँ अपने मतलब रूम में अभी हूँ, तो जिसके साथ जाना है तो वो अभी बोल रही है रुकिए आंटी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा रुकी हूँ, और थोड़ी देर बाद मतलब कि मैं निकलूँगी। बस तो ये देखिए मैं थोड़ा सा बैठ के अपना छोटा सा मतलब छोटा सा वीडियो बना ले रही हूँ। वहाँ से आ गई हूँ, और वहाँ एक छोटी सी बच्ची थी प्यारी सी, तो बस मैंने उसको थोड़ा सा वीडियो बना लिया, और हेलो कर रही थी। तो बस मैं आ गई यहाँ, चावल और दाल मतलब बना दे रही हूँ, जल्दी जल्दी मैं खाना बना दे रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग गया था वहाँ पे। और छोटे बच्चे को देख के तो मन करता है कि मतलब वहीं पे, और देखिए ये मेरा कुकर का क्या हाल हो गया है, मतलब ऐसे ही होता है हमेशा, ये कुकर थोड़ा ख़राब हो गया है, तो पूरा मतलब कि उसका पानी थोड़ा सा ज़्यादा भी नहीं रहता, फिर भी पूरा यहाँ पे गैस गंदा हो जाता है। तो बस ऐसे ही मतलब काम चल रहा है। फिर एक तो कुकर भी हम लोग को लेना है छोटा वाला, वो बड़ा कुकर था तो उससे मतलब कि वो वाला तो ठीक है। और देखिए मेरा खाना बन गया है, दाल चावल चोखा और अचार, तो बस आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, गर्मा गर्म खाना है। और
पूरा वीडियो देखिएगा और प्लीज़ एक लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड से शेयर करना ना भूलिएगा। तो ये देखिए खाना, मतलब कि एकदम टेस्टी टेस्टी लगता है ऐसा सिंपल सा खाना। और रात में पूड़ी ये सब हो गया था, पूड़ी उड़ी सब्जी उब्जी, तो इसलिए मैंने सिंपल सा ही आज खाना बनाया है। तो अच्छा लगता है सिंपल खाना भी कभी कभी, और सेहत के लिए भी अच्छा रहता है। सिंपल खाना तो सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो बस अभी मैं घर आ गई हूँ, तो खाना वाना हम लोग खा ले रहे हैं और किचन भी साफ़ मैं कर ले रही हूँ, सारा हो जाएगा काम। फिर उसके बाद मैं थोड़ा मोड़ा इधर उधर घूम टहल के, या फिर उसके बाद देखती हूँ क्या करना है। तो अभी अभी तो खाना खा लीजिए आप लोग भी, और मैं दे दे रही हूँ बच्चे लोग को भी खाने के लिए। तो ये देखिए सिंपल सा खाना अच्छा लगता है। वो बच्ची को मैंने, मतलब वो बच्ची बहुत प्यारी लगती है और अभी अभी मतलब चलना सीखी है, तो बस बच्चे लोग बोलते हैं ना तो अच्छा लगता है छोटे से बच्चे लोग, इसलिए मैंने थोड़ा वीडियो आपके साथ शेयर किया है। और यहीं पास में ही रहती है इसलिए मैं गई थी तो वीडियो बना ली। और ये देखिए मैं यहाँ पे, ये आया था सोन पापड़ी, सोन पापड़ी एकदम यहाँ पे मतलब ताज़ा ताज़ा था, तो ताज़ा वाला अच्छा लगता है खाने में। तो बस मैं खा रही हूँ, तो पहले आप लोग को खिला ले रही हूँ फिर मैं खा रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगी क्योंकि मीठा मीठा लगने लगता है इसलिए। तो बाय, मतलब देखिएगा पूरा वीडियो और एक लाइक करिएगा, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड से शेयर करना ना भूलिएगा। तो मैं सोच अपने वीडियो को एंड करती हूँ यहीं पे, ये देखिए। और आप लोगों को कैसा लगता है सुन पापड़ी बताइएगा ज़रूर। बस मैं सोन पापड़ी खा ले रही हूँ रखा हुआ तो। और ये देखिए मेरी बेटी मुझसे बातें कर रही थी, तो बस मैं ये क्या कहते हैं सोन पापड़ी खा ले रही हूँ और फिर जा रही हूँ रात का खाना बनाने। तो बस रात का खाना में भी मैं कुछ सिंपल सा ही बना रही हूँ, तो आलू की भुजिया बना रही हूँ। तो आलू का भुजिया और बस रोटी बना दूँगी, या फिर रोटी या भुजिया मतलब पराठा या जो भी खाएंगे, तो बस मैं मतलब कि भुजिया ही बना दे रही हूँ। तो ये देखिए, और फिर अब मैं मतलब वीडियो का भी एंड कर रही हूँ। तो बस अब मतलब अब मेरे पास ज़्यादा वीडियो नहीं था, और ये वीडियो भी मैं लेट से जा रही थी मतलब कि, तो ये बस सिंपल सा नमक हल्दी और थोड़ा सा गोल की जीरा ये सब डाल के मैं आलू की भुजिया बना रही हूँ। तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इतने में मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ और आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते, इसलिए प्लीज़ कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और ये देखिए मैं मतलब कि ये भुजिया बन में सब कुछ डाल दी हूँ सारे मसाले, और बस इसे बस भून ले रही हूँ थोड़ा सा और हो जाएगा, और फिर मैं बाद में रोटी या पराठे सेक लूँगी तो हो जाएगा। और ये देखिए मतलब अभी मैं वहाँ हरी मिर्च मैं निकाल के रखी हूँ, तो उसे हरी मिर्च को भी मैं सारे डंटी तोड़ के रख दे रही हूँ, क्योंकि अभी मतलब बैठी हूँ तो मतलब अभी ज़्यादा काम नहीं है, रात को तो उतना काम रहता नहीं है इसीलिए। और यहाँ पे मैं सारे डब्बा उब्बा रखती हूँ मसाले वाले, तो मतलब ज़्यादा जगह नहीं है लेकिन जैसे भी रहता है हो जाता है, काम चल जाता है। और बस तो आप लोग को मतलब कि ये देखिए ये मिर्च सब मैं ऐसे तोड़ के रख देती हूँ। और हैप्पी गोवर्धन पूजा एक बार और प्लीज़ एक लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड से शेयर करना ना भूलिएगा। बाय, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में गुड नाइट, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।